आज हम देखेंगे रसर कैरेक्टर के साथ क्या कॉम्बिनेशन सही रहता है। बीआर रैंक सीएस रैंक दोनों के लिए देखेंगे। स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से। सीएस रसर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। दोस्तों सीएस रसर का अगर कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताओ तो क्या लेना चाहिए आप लोग देखो। यहां पे सबसे पहले तत्सुया कैरेक्टर को इक्विप करो। तत्सुया कैरेक्टर हम लोग क्यों इक्विप करते हैं, क्योंकि इसमें आपको दो बार डैश मिलता है, वो भी 45 सेकंड का कूलडाउन। दोस्तों सबसे कम कैरेक्टर का कूलडाउन लगता है एंड प्लस दो बार डैश मिलता है, तो यही सबसे बेस्ट माना जाता है अगर हम लोग रस करने में हम लोग सक्षम है तो। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, तीन पेसिव चूज करेंगे। तो नंबर 1 पेसिव में आप केली द स्विफ्ट को इक्विप करो, क्योंकि देखो तत्सुया एंड केली एक बहुत ज्यादा सुंदर रस होता है हम लोग को, ये दोनों कैरेक्टर का साथ में होता है तो। ओके, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, केली को इक्विप करेंगे। प्लस देखो सीएस रसर खेल रहे हो तो ये कैरेक्टर लो, जिससे गाइस क्या होगा ना, आप जैसे यहां पे तत्सुया यूज करोगे तो आपको लियोन चालू होगा, तो हम लोग क्या करेंगे लियोन को इक्विप करेंगे। लियोन हमको यहां पे एचपी देगा, वो भी 60 HP। तो सोचो ये कैटर कितना ज्यादा काम आने वाला है। तो मैंने लियोन ले लिया, तो अब हम चूज करेंगे नंबर 3 पैसिव। देखो नंबर 3 पैसिव में आप डीबी कैटर को इक्विप करो, क्योंकि देखो डीबी कैटर्स क्या होता है ना, आपको यहां पे मूवमेंट स्पीड मिलता है। यस माय फ्रेंड, मूवमेंट स्पीड प्लस एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मुझे चाहिए। देखो आप लोग रश कर रहे हो और एक्यूरेसी ना हो तो गाइस बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है। तो सीएस में ये कैटर कॉम्बिनेशन मैंने बनाया, लियोन के साथ अकेली है, अपना डीबी है और तत्सुया कैटर। अब इसको मैं टेस्ट सीएस रसर क्या है, तो चलो गेम पे देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं सीएस रैंक रसर कॉम्बिनेशन एंड यहां पे आपके पास तत्सुया केली लियोन एंड डीबी है। तो हम लोग के पास अगर तत्सुया है तो भाई देखो यहां पे डरने का बात नहीं है, आपको क्या करना है, गुआ ला के आगे जाओ रस करने के लिए। एंड देखो मेरे पास यहां पे क्या कैटर पता है, डीबी कैटर है, इसलिए बंदा को यहां पे हेड वगैरह मतलब बहुत आसानी से लग जा रहा, आप लोग देख ही सकते हो। यहां पे रिकॉइल जो होता है ना, रिकॉइल होता ही नहीं। प्लस देखो लियोन चालू हो चुका है ना, पर केली तो यहां पे काम आ ही रहा है। केली क्या कैरेक्टर आपके पास लाइट के लिए तो और भी डेंजरस है। लेकिन देखो ये जो स्किल कॉम्बिनेशन है ये मेरा फेवरेट है, मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है, अगर आपको यूज करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पे, सीएस रसर नंबर 2। दोस्तों अगर सीएस रसर का मैं नंबर 2 कॉम्बिनेशन बताओ तो उसमें आता है आलोक। दोस्तों ये कैरेक्टर भाई कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, ये कैरेक्टर ना भाई वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव कैरेक्टर है अगर कोई बंदा रस करना चाहते हो तो। भाई देखो यहां पे अवेकन आलोक, इसका नाम तो आप लोगों को पता है, अवेकन आलोक ही इसमें आप लोग लेना। देखो नॉर्मल काम आता है लेकिन अवेकन आलोक में आपको दोनों मिलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कैरेक्टर को पहले इक्विप करेंगे। अब यहां पे आप लोग करना क्या है, आप लोग सीएस खेल रहे हो तो केली द स्विफ्ट इसमें भी आप लोग इक्विप करो। एक तो हम लोग केली से हम लोग का मूवमेंट मिलेगा ही, प्लस अवेकन आलोक अपना अपना आलोक कैरेक्टर भी मूवमेंट स्पीड देता है, तो हम लोग को यहां पे दोनों तरफ से फायदा मिलता है ना। तो इसीलिए मैंने ये दो कैरेक्टर आपको दे दिया। प्लस देखो आपने नंबर 2 पेसिव यहां पे चूज करना है। अब देखो नंबर 2 पेसिव में क्या करना है, आपको यहां पे एंटोनियो कैरेक्टर को इक्विप कर लेना है। दोस्तों एंटोनियो कैरेक्टर क्या करेगा, आपको 30 सील पॉइंट देगा एंड उस टाइम में अगर आप लोग रश कर रहे हो तो एंटोनियो आपको हेल्प करेगा, तो आपको मेडी मारने को जरूरत नहीं क्योंकि आपके पास एंटोनियो कैटर है। तो पहले आपको यहां पे पता चल जाएगा बंदा कहां से मार रहा है, तो इसलिए मैंने यहां पे ले लिया अपना एंटोनियो। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे वापस से डीबी को चूज करेंगे। वाई डीबी, एज यू नो यहां पे हम लोग को एक्यूरेसी प्लस मूवमेंट स्पीड मिलता है, तो मैंने यहां पे बुलेट ट्रैप अपना डीबी कैटर को इक्विप कर लिया। अब इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में हम लोग को अवेकन आलोक है, तो चलो मैं अवेकन आलोक लेके खेलूंगा एंड देखते ये कैरेक्टर कितना काम आता है। तो हम लोग देख रहे हैं सीएस रसर नंबर 2, ये नंबर 2 जो कॉम्बिनेशन है इसमें आलोक को मैं इंक्लूड किया हूं एंड केली है, एंटोनियो एंड डीबी कैटर है। अब देखो यहां पे मैंने आलोक लिया है, क्यों आपको पता है, यहां पे आलोक से आपको यहां पे एचपी मिलता है 10-12 सेकंड में 15 सेकंड में आपका एचपी फुल हो जाता है, तो मैंने यहां पे इसीलिए लिया है अपना आलोक कैरेक्टर, वो भी यहां पे मेरे पास केली है, एंटोनियो एंड डीबी भी है। अब देखो यहां पे मैंने प्लेयर को मारा, यहां पे रिकॉइल नहीं हुआ, प्लस उसने मुझे जैसे मारा यहां पे मैं अपना क्या ऑन किया, आलोक ऑन किया, प्लस मुझे यहां पे जो बंदा मारा उसने पहले एंटोनियो पे हिट किया, आप लोग देख रहे हो गाइस वापस से एंटोनियो पे हिट किया, तो मुझे उतना इफेक्ट नहीं हुआ एंड ये कॉम्बिनेशन रसर का ये भी एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है, इसको यूज कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे, ग्रैंड मास्टर रसर स्किल कॉम्बिनेशन। दोस्तों बहुत सारे प्लेयर आपको ग्रैंड मास्टर में देखने को मिले, लेकिन अगर हम लोग चाहे तो यहां पे थोड़ा यूनिक कैटर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। लेकिन तुमने आलोक तत्सुया वगैरह का नाम सुना है, लेकिन सेंटिनो, यस माय फ्रेंड, देखो रसर में आपको मैं बताता हूं सेंटिनो क्या काम करता है। आप लोग को बस यहां पे सेंटिनो को डेकोई छोड़ना है, वो जैसे जाते रहेगा आगे जाएगा, वो खुद से रस करना, मतलब आप लोग को बस डेकोई छोड़ देना है, आपको बंदा मार के आ जाना, इस टाइप का रस करते हो। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटिनो को इक्विप कर लिया, आपको पता है मैनेक्विन बोलता है इसको। ठीक है, तो यहां पे मैंने सेंटिनो इक्विप करने के बाद यहां पे आप
केली कैटर को भी इक्विप कर लो। देखो जिससे आप लोग सेंटिनो छोड़ोगे एंड रसर में आपको केली चाहिए भाई, बहुत काम आता है, इसलिए मैंने केली को इक्विप किया। प्लस देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एंटोनियो को इक्विप करेंगे। दोस्तों मैंने एंटोनियो के बारे में समझाया था आपको, 30 सील्ड पॉइंट देता है एंड ये बहुत काम आता है आपका एचपी रिकवर करने में। आप लोगों को मतलब एचपी में इफेक्ट नहीं करता है, पहले सील्ड एचपी में इफेक्ट करता है ना, तो इसलिए मैंने एंटोनियो को दिया है। एंड प्लस देखो यहाँ पे आप लोग क्या करना, आप लोग यहाँ पे ऐसा कैटर को इक्विप करें जिससे आपका रेट ऑफ फायर बढ़े एंड मूवमेंट स्पीड बढ़ जाए। देखो रेट ऑफ फायर में इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे लूना कैटर को इक्विप करूंगा। दोस्तों ये लूना कैटर बहुत काम का है भाई, सच में बोल रहा हूँ, लूना कैटर बहुत सारे प्लेयर यूज कर रहे हैं एंड उसको रेट ऑफ फायर और मूवमेंट स्पीड दोनों मिलता है। तो एक काम करो, आप ये कैटर कॉम्बिनेशन बनाओ अगर ग्रैंड मास्टर का कॉम्बिनेशन फॉलो करना चाहते हो तो। देखो अभी यूज मत करना, पहले मैं गेम पे लेके चलता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा थोड़ा बहुत, चलो आ जाओ। तो हम लोग देख रहे हैं ग्रैंड मास्टर रसर कॉम्बिनेशन, जो ग्रैंड मास्टर का एक कॉम्बिनेशन है, मतलब थोड़ा यूनिक सा कॉम्बिनेशन है। देखो आपके पास सेंटिनो, केली, एंटोनियो एंड लूना कैरेक्टर है। अब आप इस कैरेक्टर को यूज करना, देखो सबसे पहले मैं क्या किया, यहाँ पे बंदा जैसे रस कर रहा था तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना सेंटिनो ऑन किया, वो मुझे हीट कर ही नहीं पाया। यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा बहुत भी डैमेज नहीं हुआ, आप लोग देख सकते हो। वापस से मैं सेंटिनो यूज किया, मतलब उस तरह से गाइस डबल यूज कर सकते हैं, तो स्प्लिट किया एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग दो बार स्प्लिट कर सकते हैं, तो यहाँ पे डबल बार हम लोग अपना लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं। तो एंड उसके बाद आप उनको झटका दो, सरप्राइज देखो वापस से आके उनको मार सकते हो। तो देखो यहाँ पे आप तो यहाँ पे एक रस करने के लिए भी यूज कर सकते हो, अगर आपके ऊपर कोई रस कर रहा है तो उसमें भी आप लोग ये कैटर कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो मेरे ग्रैंड मास्टर फ्रेंड ने रिकमेंड किया था तो सोचा आपको बता दो, इस कैटर को भी यूज कर सकते हो। बढ़ते हैं नंबर 2 पे, सोलो रसर स्किल कॉम्बिनेशन। दोस्तों सोलो रसर का स्किल कॉम्बिनेशन बना तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोग यहाँ पे उकोंग कैटर को इक्विप करो। दोस्तों उकोंग कैटर काम ये आएगा कि अगर आप लोग सोलो में हो एंड उकोंग बन के जाओगे तो बंदा आपको डर से भागने लगेगा, मारना जल्दी उसको आसान नहीं होता ना उकोंग को, इसीलिए। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले उकोंग ले खेल रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे एंटोनियो कैटर को इक्विप कर लो। भाई मैं देखो एंटोनियो कैटर को बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लगता है यूज करने में, इसलिए मैं उकोंग के साथ यहाँ पे एंटोनियो को इक्विप करने के लिए बोल रहा हूँ एंड आपको फायदा भी है, समझाऊंगा एडवांटेज बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंटोनियो को इक्विप कर लेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे से देखो, नंबर 2 पे से में आप यहाँ पे देखो जैसे आप लोग उकोंग ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको सील्ड एचपी मिलेगा। तो शानी कैटर आप लोग देखो यहाँ पे 50 सील्ड पॉइंट देता है, मैंने शानी कैटर को लिया। उसके साथ ही नंबर 3 पे से में आप केली कैटर को इक्विप कर लो। केली आपको पता है, जैसे मैंने आपको समझाया था, ये केली द स्विफ्ट। तो मैंने शानी लिया है, एंटोनियो एंड उकोंग, तो ये कैटर कॉम्बिनेशन को हम लोग टेस्ट करेंगे। तो चलो गेम पे, तो मेरे पास है सोलो रसर कॉम्बिनेशन, मेरे पास उकोंग, एंटोनियो, शानी एंड केली कैटर। अब देखो यहां पे बंदा था, इसको क्या है हम लोग कैसे मार देते इजीली, आपको थोड़ा समझ नहीं आया चिंता मत करो, इस कैटर का और भी ज्यादा मेरे पास क्लिप से जो आपको और भी ज्यादा समझाएगा। देखो सामने ऊपर बंदा है एंड एक हमारा फॉरवर्ड में, तो सामने आसपास ही बंदे, तो मैंने क्या किया यहां पे उकोंग बन गया, यहां से हम लोग इजीली एस्केप कर दिया एंड हम लोग थोड़ा रश भी कर रहे हैं उनको मारने के लिए। हम रश करके यहां पे देखो आसानी से इसको खत्म कर सकते। देखो यहां पे जो कैरेक्टर है भाई अपना सानी कैरेक्टर कितना काम आता है, तो यहां पे केली भी है, एंटोनियो। अब देखो मैं यहां पे व्हीकल से उतरा, बंदा कैसे डर के मारे वो मुझे देखो गुलवा लगा लेते, पहले गुलवा लगा लिया। अब यहां पे मैं क्या किया, अंदर तो जा नहीं सकता, तो यहां पे मैं क्या किया, रुक गया। रुकने के बाद देखो मुझे पता चला कि ये बंदा इधर ही है, तो खत्म कर दिया। ये डर मतलब डर थोड़ा होता है ना गाइस यहां पे, ये कॉम्बिनेशन यूज करने का वही मुझे अच्छा लगता है। एंड इस कॉम्बिनेशन में देखो मुझे लास्ट में ये जो सोलो रैंक खेल रहा था तो यहां पे नेक्स्ट रैंक मैप में मुझे बुया भी मिला ये कॉम्बिनेशन से, रश करके मारा, बहुत सारा किल उठाया मैंने ये कॉम्बिनेशन बना के। तो आप भी ट्राई जरूर करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 1 पे, स्क्वाड बीआर रैंक रसर स्किल कॉम्बिनेशन। दोस्तों अगर हम लोग स्क्वाड खेलेंगे तो बीआर रैंक में क्या कॉम्बिनेशन सही होगा, इसका आंसर आप बताओ कमेंट बॉक्स में। आपका स्किल मैं देख के यूज करना चाहूंगा, तो प्लीज आप लोग कमेंट करें जल्दी से।